ओम शांति। बाबा ने हमें संपूर्ण बनने का श्रेष्ठ लक्ष्य प्रदान किया है। परफेक्शन बहुत बड़ी चीज है। पहले तो हम सुनते थे परफेक्ट तो केवल एक भगवान ही है और कोई परफेक्ट हो नहीं सकता, लेकिन अब बाबा ने हमें बहुत सुंदर न केवल लक्ष्य दिया लेकिन गाइडलाइन भी दी कि तुम किस तरह परफेक्शन को प्राप्त करो। हर चीज में परफेक्ट, चारों सब्जेक्ट में यदि हम परफेक्ट होंगे तो परफेक्शन सहज आ जाएगी। हमें परफेक्ट होना है सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में और संपूर्ण पवित्रता में। तीन चीजों पर विशेष ध्यान देंगे, बाकी सब चीजें पीछे पीछे स्वतः ही आ जाएंगी। जब हम ज्ञान में परफेक्ट होते हैं तो हमारे विचार महान होते हैं, हमें रोज रोज गाइडलाइन मिलती है। सेवाओं के फील्ड में रहने से हम गुणों में स्वयं को परफेक्ट कर सकते हैं। हमें पता चलता है हमारे अंदर कौन सी कमी है और सेवा की वो गुणों की परफेक्शन तभी आएगी जब हम अपनी कमियों के बारे में जागरूक रहेंगे और उन्हें निकालने में तत्पर होंगे, तैयार होंगे, इच्छुक होंगे। तो एक संपूर्णता की राही को अपनी कमियों को फटाफट निकालते चलना चाहिए। ये नहीं कोई कमी सालों साल चलती आ रही हो, उस कमी के अधीन होकर हम अपना जीवन जी रहे हों, तब तो सर्व गुणों में परफेक्शन आएगी नहीं। हम ध्यान दें, योग बल से शक्तियों में हम परफेक्ट बनते हैं। योग बल सबसे बड़ा बल है, इससे सारी शक्तियाँ आत्मा में समाने लगती हैं और साथ साथ हम संकल्प भी किया करें कि मुझ में ये सारी शक्तियाँ हैं, तो सारी शक्तियाँ प्रैक्टिकल में काम करती रहेंगी। आठों शक्तियाँ एक साथ जब चाहें कार्य में लगी रहें, ये होगी शक्तियों की संपूर्णता। पवित्रता की संपूर्णता जो धारणाओं का सब्जेक्ट है, उस पर भी हमें बहुत ध्यान देना है। संकल्प में भी कहीं कोई आकर्षण न रहे। आकर्षण बहुत है इस संसार में, आकर्षणों की कोई कमी नहीं। और जो ज्ञान योग के पथ पर आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने पवित्रता का मार्ग अपना लिया है, उनके सामने भी माया अनेक आकर्षण पैदा करती रहती है। कभी धन का आकर्षण है, कभी किसी के देह का आकर्षण है, कभी किसी श्रेष्ठ वस्तु का आकर्षण है, और कभी मान शान का आकर्षण है। चेक कर लें, कोई आकर्षण हमें अपनी ओर आकर्षित तो नहीं कर रहा है? विशेष रूप से देह का आकर्षण, किसी विकार का आकर्षण, इससे यदि हम मुक्त होते जाएंगे तो बाकी सभी आकर्षण सहज ही समाप्त होते जाएंगे। इसके लिए हमें बहुत ध्यान देना है, त्याग और वैराग्य वृत्ति सदा ही अपना कर रखनी है। ये आकर्षण देहभान की निशानी है, ये आकर्षण अपवित्रता की निशानी है, और ये आकर्षण हमें कभी भी हमारे लक्ष्य की ओर जाने नहीं देंगे। जैसे धरती के आकर्षण से हर वस्तु खींचकर नीचे आती रहती है, वैसे ही ये संसार के आकर्षण हमें बार बार नीचे खींच कर जमीन पर लाते रहेंगे और हमें उड़ने नहीं देंगे। इसलिए ये सब विनाशी हैं। ये आकर्षण हम माया जीत बनने वालों के लिए बहुत बड़े शत्रु हैं। इनके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। सूक्ष्म रूप से भी किसी चीज का आकर्षण हम में न हो। आज सारा दिन हम अपने संपूर्ण स्वरूप को अपने सामने देखें, एक विजन बनाएं, मेरा संपूर्ण स्वरूप
ऐसा होगा, मेरी संपूर्ण पवित्रता ऐसी होगी। और फिर अभ्यास करें कि मुझे संपूर्ण बनाने के लिए बाबा निरंतर अपनी किरणें मुझ पर डाल रहा है, तो बाबा की किरणों के फाउंटेन के नीचे हैं हम। ओम शांति।